नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ माय एक्सपीरियंस इन सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल बैंगलोर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कहाँ से हुआ है, कौन से हॉस्पिटल से हुआ है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कौन सा डॉक्टर है, बहुत सारे ऐसे सिमिलर कमेंट्स हैं। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एट सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, हाई, माई नेम इज आरती। आई शेयर ब्लॉग्स एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज हियर, स्पेशली टीवी रिलेटेड वीडियोज, बिकॉज आई एम अ ब्रेन एंड स्पाइन टीवी पेशेंट। सो आई शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो इफ यू न्यू हियर देन प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दूसरे तीसरे बिल्डिंग में, तो दिन भर नॉइज आता रहता है, इवन रात को भी आता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इज अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन बैंगलोर एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट जॉन्स नेशनल अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इट इज रन बाय कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। सो ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है बैंगलोर में एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी माई एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ मंथ। मैं वन मंथ कम्प्लीटली वहाँ पे एडमिट थी, तो उसके बारे में बात करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। सो फॉर द फर्स्ट 20 days आई वॉज नॉट कॉन्शियस, आई वॉज अनकॉन्शियस। तो उसके बाद में जब मुझे होश आया तो हार्डली मैं 10 days रही वहाँ पे वेरी फुल सेंसेस में। तो उस टाइम मैंने क्या क्या नोटिस किया, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इट्स अ वेरी बिग हॉस्पिटल विद अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज एंड तो हॉस्पिटल का जो एरिया है, जो सराउंडिंग्स है, दैट इज़ वेरी क्लीन एंड ग्रीन। मतलब आपको जब आप वॉक करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप हॉस्पिटल में हो, इट इज़ रियली क्लीन एंड बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पे। पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, जो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि लोग अगर ऐसे मतलब ग्रीनरी में रहेंगे पेशेंट्स तो बहुत अच्छा लगेगा उनको, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वहाँ पे स्टे की। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ये है, आपको एसी रूम भी मिल जाता है, आपको प्राइवेट केबिन मिल जाता है, या फिर आप वार्ड में भी रह सकते हो। तो मैं शेयरिंग वार्ड में थी, हमारे वार्ड में 4 पेशेंट्स थे। तो डॉक्टर जो है वो रेगुलरली अपने विजिटिंग टाइम पे मॉर्निंग और नाइट को या फिर आफ्टरनून को, जितना भी जब भी उनका विजिटिंग टाइम होता है वो रेगुलरली विजिट करते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं क्वेरीज, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। एंड जो है इंटर्न डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, वो तो मतलब कभी कभी 4-5 कभी कभी 10-12 भी आके घेर लेते हैं, तो वो भी अच्छा है, वो आपसे पूछते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। बट कभी कभी पेशेंट्स को जो है थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है कि मतलब इतने सारे लोग आके उसको इतने सवाल पूछ रहे हैं, बट ये होता है, जो इंटर्न डॉक्टर्स होते हैं वो आते हैं एंड ये सब आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। और जो है चार्जेस जो है आपके रूम के चार्जेस या फिर वार्ड के चार्जेस जो है वो भी अफोर्डेबल है कंपेयर टू माय प्रीवियस हॉस्पिटल। इससे पहले मैं एस्टर आर्मी में थी, तो वहाँ पे चार्जेस बहुत हाई थे, बट कंपेयर टू दैट यहाँ पे सेंट जॉन्स में जो है चार्जेस भी अफोर्डेबल है। एंड नर्सेस जो है, नर्सेस भी मतलब आपकी वार्ड में हमेशा ही नर्सेस रहती है, आपको अगर कहीं पर बाहर गई है तो आप बुलाते हो तो तुरंत आ, मतलब अच्छी है सर्विस, मुझे अच्छी लगी, नर्सिंग सर्विस अच्छी है, बेडशीट्स रेगुलर चेंज करते हैं, मतलब क्लीन है। मैंने पहले भी जितने भी हॉस्पिटल्स में गई थी वहाँ पे ऐसा होता था कि फीमेल पेशेंट के लिए फीमेल अटेंडर ही चाहिए, मेल पेशेंट के लिए मेल ही चाहिए, बट यहाँ पे सेंट जॉन्स में ऐसा नहीं है, आप अपनी वाइफ के साथ रह सकते हैं हॉस्पिटल में, और अगर आपके हस्बैंड एडमिट है तो उनके साथ भी रह सकते हैं, तो फीमेल के साथ मेल भी रह सकते हैं, मेल के साथ फीमेल भी रह सकते हैं अटेंडर, वो बात भी अच्छी है एडजस्ट, मतलब वो बात भी मुझे अच्छी लगी। एंड जो है विजिटर्स जब आते हैं आपके, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, जब विजिटर्स आते हैं तो विजिटर्स का विजिट करने का फिक्स टाइम होता है, मतलब जब भी आप आओ, जब भी आप अंदर एंट्री मिलेगी ऐसा नहीं है। एंड जब आप विजिटर्स आते हैं तो विजिटिंग का
और जब विजिटर्स आते हैं तो उनको एक कार्ड मिलता है, येलो कलर का पेशेंट का कार्ड होता है, वो कार्ड दिखाने के बाद ही अंदर आने देते हैं, ऐसे ही किसी को भी अंदर अलाउ नहीं करते हैं। तो ये बात भी बहुत अच्छी है, पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं होता और वो कार्ड दिखाने के बाद ही आप आ सकते हो। तो एक येलो कलर का कार्ड होता है वो विजिटर के पास होना चाहिए, वो कार्ड दिखाएंगे फिर उसके बाद ही अंदर आ सकते हैं। तो हॉस्पिटल में आप बाहर से खाना लेके जा सकते हो बाहर से, क्योंकि किसी किसी हॉस्पिटल में बाहर का खाना अलाउड नहीं होता। जैसे जब मैं इससे पहले ईस्टर में एडमिट थी, वहाँ पे बाहर से फ्रूट्स भी लाने नहीं देते थे, सारे हॉस्पिटल वाले ही खिलाते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बाहर से खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फ्रूट सब कुछ बाहर से जो है लेके आ सकते हैं। एंड अगर कोई पेशेंट बहुत दूर का है, उसको खाना बाहर से लाने वाला कोई नहीं है, तो आप हॉस्पिटल में ही कैंटीन में आप मतलब उसका प्रोसीजर क्या है नहीं पता मुझे, बट आप वहाँ पे बात करके कर सकते हो। और खाना आपको मतलब सुबह में कॉफ़ी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, डिनर जो है वो हॉस्पिटल से ही आता है, उसका अलग से बिल बनता है। तो हॉस्पिटल से मतलब खाने की फैसिलिटी भी अच्छी है, और हॉस्पिटल के अंदर ही कैंटीन्स तो इतने मतलब बहुत ज़्यादा कैंटीन्स है, नीचे आपको अलग से कैंटीन है, ऊपर आपको अलग से कैंटीन है। तो हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन्स है, वहाँ पे सारे साउथ इंडियन चीज खाना जो भी होता है, साउथ इंडियन चीजें मिलती है, एंड कॉफी, चाय, दूध, एवरीथिंग आपको वहां पे मिल जाता है हॉस्पिटल के कैंटीन में। एंड हॉस्पिटल के कैंटीन का खाना भी बहुत अच्छा है, मैंने खाया है। और एक बात मुझे अच्छी लगी, हॉस्पिटल के अंदर एक सुपरमार्केट टाइप का भी है, मतलब इतना बड़ा सुपरमार्केट नहीं है लेकिन एक है, तो वहाँ पे आपको मतलब कपड़े तक मिल जाते हैं। तो अगर किसी का बेबी हुआ है, न्यू बॉर्न है, उसके लिए कपड़े चाहिए, या फिर बहुत दूर से कोई आया होता है, मतलब दूसरे स्टेट से आया होता है, एक ही अटेंडर होता है, पेशेंट को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वहाँ पे आप कपड़े भी ले सकते हो, बेबीज के कपड़े और ये सब ब्लैंकेट्स और ये सब भी मिलते हैं, तो आप वहाँ पे वो भी कर सकते हो। तो हॉस्पिटल में जब मैं रही वहाँ पे इतने टाइम, तो मुझे सारी सर्विसेज अच्छी लगी। बस मुझे एक बात जो खराब लगी वो है उनकी सिक्योरिटी स्टाफ्स का थोड़ा सा बिहेवियर। मे बी उनका जॉब ऐसा ही है, उनको रूल्स फॉलो करने होते हैं, इसीलिए शायद स्ट्रिक्ट होंगे, बट मुझे उनका थोड़ा सा बिहेवियर रूड लगा। एक अप्रोच करने का तरीका होता है, पेशेंट से बात करने का तरीका होता है, अटेंडर जो आते हैं उनसे बात करने का तरीका एक होता है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन का वे जो है ना वो थोड़ा सा रूड काइंड ऑफ है। जब मैं एडमिट थी तब मुझे ऐसा लगा कि जो सिक्योरिटी स्टाफ से वुमेन भी है सिक्योरिटी में, तो उनका थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा जो उनका बिहेवियर था। तो जहाँ जब मैं एडमिट थी तो मेरा ये वाला एक्सपीरियंस था। एंड हाँ, और एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल में पार्क भी है, तो जब अगर पेशेंट चलने की कंडीशन में नहीं है तब भी आप उसको व्हीलचेयर में डाल के आप पार्क में ले जा सकते हो। तो हॉस्पिटल के अंदर पार्क है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है वहाँ पे, डियर पार्क है, बहुत ज़्यादा डियर्स है वहाँ पे, तो मतलब अच्छा लगता है, पेशेंट को रिफ्रेशिंग फील होता है अगर आप इवनिंग में पार्क में लेके जाते हो। तो जब मेरा होश आया उसके बाद मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड डेली मुझे पार्क में लेके जाते थे। एंड दिन में मतलब वही टाइम ऐसा था जहाँ पे ना मुझे मतलब स्माइल आ जाती थी कि बाहर खुले में चलो, साइड में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स, प्लांट्स, सब कुछ है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता था, अच्छा सा इन्वायरमेंट होता है। तो ये बात भी जो है अच्छी है। तो मेरा स्टे अच्छा था वहाँ पे, मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा, बस सिक्योरिटी स्टाफ्स का बिहेवियर, मेरे साथ तो किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया, बट जब मैंने बिहेवियर नोटिस किया तो थोड़ा सा रूड था, बाकी सभी अच्छा है, बाथरूम, टॉयलेट सब कुछ क्लीन है, आपको गर्म पानी, ठंडा पानी जो है बाथरूम में आपको गर्म पानी भी मिलेगा, ठंडा पानी भी मिलेगा, एंड ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है वहाँ पे। आपको हॉस्पिटल में आपके वार्ड के पास में ही एक किचन टाइप का मिलता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, मतलब आपको गर्म पानी भी मिलेगा, ठंडा भी मिलेगा, और आप चाय बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, मतलब गर्म पानी लाके आप वो करके पी सकते हो। तो गर्म पानी, ठंडा पानी पीने के लिए पानी है, और बाथरूम में भी अच्छा है पानी का फैसिलिटी, गर्म, ठंडा सब कुछ है, और बाथरूम एकदम क्लीन है। तो ये था मेरा वहाँ पे स्टे करने का एक्सपीरियंस। 1 month मैंने वहाँ पे स्टे किया, बट 20 days मेरा ऐसे ही मतलब अनकॉन्शियस स्टेट में ही चला गया, तो कुछ नहीं पता चला, बट हाँ 10 days मैंने वहाँ पे देखा, तो अच्छा था वहाँ पे स्टे करने का। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं ओपीडी की।
तो अगर आप न्यू पेशेंट हो एंड फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपके लिए ये प्रोसेस है. सबसे पहले आपको जो है हेल्प डेस्क पे जाना है. हेल्प डेस्क पे जाने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है और आपको अपने जो है डिटेल्स देने होते हैं, फ़ोन नंबर और कुछ कुछ डिटेल्स मांगते हैं. वो देने के बाद आपकी एक पेशेंट आईडी कार्ड बनती है. तो एक एटीएम जैसा दिखता है, यहाँ पे लगा दूंगी मैं, एटीएम जैसा एक कार्ड दिखता है, वो बनता है. उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाना है, काउंटर नंबर 42. तो वहाँ पे जाके आपको कौन से डॉक्टर से मिलना है उसका बता के आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो वेट करना है. बस फर्स्ट टाइम जो है विजिटर्स के लिए इतना ही है, सिंपल है प्रोसेस. तो अब ओपीडी की बात करते हैं, ओपीडी में कैसा एक्सपीरियंस होता है उसकी बात करते हैं. तो यूजुअली जब हम प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं बाहर, तो हम घर से ही अपॉइंटमेंट बुक करके जा सकते हैं एंड वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता. सिंस सेंट जॉन्स इज़ अ बिग हॉस्पिटल, वेरी बिग हॉस्पिटल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं. नॉट ओनली फ्रॉम कर्नाटका बट डिफरेंट अदर स्टेट से आते हैं, कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा आते हैं लोग. तो वहाँ पे जो है हमेशा क्राउड ही रहता है. तो सबसे पहले तो ओपीडी में जो है रजिस्ट्रेशन आपको मॉर्निंग 7 से स्टार्ट होता है, सुबह के 7 बजे आप रजिस्ट्रेशन. तो मैं जब जाती हूँ 7:30 को हॉस्पिटल पहुँचती हूँ, फिर भी मुझे 30-35 नंबर का मिलता है टोकन, क्योंकि 7 बजे ही इतनी ज़्यादा लाइन होती है, बहुत ही लंबी क्यू होती है. अगर मुझे पिक्चर मिली तो यहाँ पे लगा दूंगी क्योंकि मैंने पिक्चर्स भी लिए हुए, तो बहुत लंबी क्यू होती है. तो रजिस्ट्रेशन आपको लाइन में खड़े होके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करो तो आपको टोकन, आपको क्यू नंबर वहाँ पे मिल जाता है. तो क्यू नंबर मिल जाता है, फिर क्यू नंबर मिलने के बाद आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि 7 o'clock में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है एंड डॉक्टर कंसल्टेशन स्टार्ट होता है 9 o'clock को. बट कभी भी शार्प 9 को स्टार्ट नहीं होता, 9:05, 9:10 ऐसे हो जाता है, तब डॉक्टर आते हैं. तो आपको 2 hours तो कंफर्म वेट करना ही है. उसके बाद भी अगर आपका फर्स्ट नंबर है तो सही है, नहीं तो फिर 30, 35, 40 मतलब 60 तक जाता है नंबर, उससे भी ज़्यादा होता है, 100 मतलब बहुत ज़्यादा नंबर होता है. तो आपको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए. बट अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप स्पेशल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. तो आपका जो स्पेशल कंसल्टेशन है उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. इवनिंग में स्पेशल कंसल्टेशन होता है तो बहुत कम लोग होते हैं उस टाइम, पेशेंट्स कम होते हैं, तो वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ता. बट स्पेशल कंसल्टेशन कॉस्ट अराउंड 600 to 700. बट जो आपका मॉर्निंग में जनरल कंसल्टेशन होता है उसका सिर्फ 200 to 300 मतलब 200-280 ऐसे ही होता है मॉर्निंग में. तो जो जनरल कंसल्टेशन है और जो स्पेशल कंसल्टेशन है उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि आप मॉर्निंग में जाते हो तो मॉर्निंग में जनरल कंसल्टेशन में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, तो एक बार में डॉक्टर 2-3 पेशेंट्स को भी देखते हैं. मतलब एक वहाँ पे सीनियर डॉक्टर है और 2-3 जूनियर डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं कभी कभी, तो 2-3 पेशेंट्स को एक साथ ही देखते हैं. तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं डॉक्टर्स, इतना ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं मिलती कि आप सब कुछ पूछ पूछ के बता के करो. बट अगर आप स्पेशल कंसल्टेशन में जाते हो तो डॉक्टर 1-on-1 बात करते हैं, बहुत मतलब अच्छा सा टाइम दे पाते हैं. तो यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. बट जिस डॉक्टर को मैं दिखाती थी, डॉक्टर पूनम, वो जनरल कंसल्टेशन में भी वो मतलब 1-on-1 बात करती थी, बहुत अच्छा था उनका. तो मैं तो जनरल में ही जाती थी हमेशा, 1-2 बार ही गई हूँ स्पेशल में. ओके, सो आपने रजिस्ट्रेशन फी जनरल कंसल्टेशन की 200-300 पे कर दी एंड यहाँ पे जो है 180 से स्टार्ट होता है. मतलब वैरी करता है, यूरोलॉजी का अलग है, न्यूरोलॉजी का अलग है, ऐसे वैरी करता है. तो आप जब कंसल्टेशन फी एक बार पे करते हो, तो जब हम प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं तो हम आज कंसल्टेशन फी पे करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको 1 हफ्ते तक आप अगर आते हो तो कंसल्टेशन फी नहीं करना पड़ेगा सेकेंड टाइम आप जा रहे हो. लेकिन किसी किसी में 2-3 दिन तक नहीं करना पड़ता. मैं अभी एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, वहाँ पे मुझे 3 दिन बाद जब मैं गई तो मेरा कंसल्टेशन फी नहीं लगा. बट सेंट जॉन्स में क्या होता है, आज आप जाते हो 700 दे के, या फिर आपका जो भी जनरल कंसल्टेशन का फी है वो दे के आप बात करते हो. अगर आप नेक्स्ट डे सिर्फ डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने जाओगे तब भी आपको जो है
सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. पहले लाइन में लगो, फिर रजिस्टर कराओ, फिर वेट करो, फिर डॉक्टर से मिलो. तो ये बात थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी मतलब खराब लगी कि अगर आप सेकेंड टाइम आप नेक्स्ट डे ही जा रहे हो तो आपको कंसल्टेशन फी नहीं लगनी चाहिए, बट यहाँ पे लगती है. तो आप कुछ भी अगर डॉक्टर से कुछ भी पूछना है, कुछ भी कराना है, तो आपको सब कुछ रेडी रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सेकेंड डे जाओगे तो सेम प्रोसेस होगा. आपको डॉक्टर का अगर किसी में एक सिग्नेचर भी लेना है तो उसके लिए भी आपको 2-3 घंटे मतलब वेट करना पड़ेगा. पहले रजिस्ट्रेशन करो, फिर उसके बाद वेट करो अपने टर्न का. तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती थी. तो ओपीडी का यही है ओपीडी के बारे में. एंड ओपीडी में भी अगेन आई एम नॉट लाइक, मैं सिक्योरिटी स्टाफ के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ. कोई कोई सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं वो बहुत अच्छे भी है, मैं कुछ एक दो को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे है, हेल्पफुल है. बट ओपीडी में जो सिक्योरिटी स्टाफ तो अपना काम ही कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर लेडी होते हैं क्लीनर, और शायद क्लीनर ही है या फिर सिक्योरिटी है, तो उनका ना थोड़ा सा अगेन बात करने का तरीका बहुत ही खराब है कि आप उसको उधर जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं चलता. आप इधर जाके बैठ जाइए ना, इधर बैठ जाइए, ऐसे मतलब बोलने का तरीका होता है ना, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि उधर जाके बैठ जाओ. और उनकी शायद वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करते हैं और मुझे अच्छे से समझ नहीं आती, इसीलिए रूड लगता है या फिर क्या लगता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रूड लगता है उनका बिहेवियर. ओके, तो ओपीडी की भी हमने बात कर ली, क्योंकि मैं हर एक चीज़ की यहाँ पे क्लियरली एक ही वीडियो में बता रही हूँ. तो ओपीडी की बात कर ली. अब हम बात करते हैं फार्मेसी की. तो फार्मेसी में भी अगेन टोकन सिस्टम होता है. जब आप मेडिसिन लेने चाहते हो तो पहले आपको टोकन लेना होता है. आपका टोकन लेने के बाद में आपको आपका नंबर, आपको वेट करना होता है. तो स्क्रीन पे आपका नंबर दिखाता है, फिर आप अपने नंबर से जाओगे पेमेंट करना. पेमेंट करने के बाद फिर से आपको वेट करना पड़ेगा. जब आपकी बारी आएगी तो वो वहाँ पे नेम कॉल करके बुलाएंगे. तो फार्मेसी में मतलब रेगुलर डेज में जो है फार्मेसी में भी कभी कभी 1 घंटे उससे ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है मेडिसिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है. पहले आपको टोकन नंबर लेना है लाइन में लग के, उसके बाद में आपका नंबर जब दिखाएगा स्क्रीन पे तो आपको जाके पे करना है. पे करने के बाद आपको वेट करना है, और जब आपकी मेडिसिन रेडी हो जाएगी तो वो बुलाएंगे कि आपको मेडिसिन फिर दे देंगे. तो जब आप लोग फार्मेसी से बाहर निकले तो प्लीज़ मेडिसिन चेक करके निकले, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है. कभी कभी एक बार उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दिया ही नहीं, मतलब उन्होंने बिल भी नहीं बनाया लेकिन दिया भी नहीं. तो घर पे आके मुझे पता चला कि एक मेडिसिन है ही नहीं. तो एक मेडिसिन लेने के लिए मुझे इतना दूर फिर से जाना पड़ा. और कभी कभी ये भी होता है कि मेरे साथ एक बार हुआ है कि मैंने जो एक टैबलेट ली थी उन्होंने गलत दी थी. मतलब टैबलेट गलत नहीं दी थी, डोज गलत दी थी. मुझे 100 mg वाली चाहिए थी, उन्होंने 300 mg वाली दी थी. अब वो 300 mg को मैं कट करके 100 100 100 तो नहीं कर सकती. तो फिर मुझे इतना दूर जाना पड़ा सिर्फ टैबलेट एक्सचेंज करने के लिए. तो जब आप फार्मेसी से निकले तो आप अपने मेडिसिन चेक कर लें कि सही से दिए, सही mg की दी है, सही सारे मेडिसिन दिए है या नहीं दिए है. तो ये हो गया फार्मेसी. सो ये था मेरा एक्सपीरियंस सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर में 1 महीने रहने का और 1.5 साल रेगुलरली विजिट करने का, क्योंकि फॉर द फर्स्ट 12 मंथ्स आई वॉज विजिटिंग एवरी 15 डेज. तो हर 15 डेज में मैं जाती थी, अभी एवरी मंथ जाती हूँ. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, होप यू गाइज लाइक इट. तो अगर आप लोगों को कहीं से दूर से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पीजी भी मिल जाएगी. आप जब जाते हो तो वहाँ पे आप पूछते हो तो वहाँ पे पीजी भी मिल जाएगी आपको. दो आपको पेशेंट के साथ जो 2 अटेंडर्स होते हैं उनके लिए रहने के लिए पीजी रूम्स बहुत अच्छे मैंने देखे. तो ये भी है, तो मतलब आप जा सकते हो. हॉस्पिटल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो मतलब हर जगह पर होता है. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, आई होप यू गाइस लाइक इट. अगर आप लोगों को मेरी ब्रेन एंड स्पाइन टीवी की जर्नी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो. एंड मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिनजाइटिस, तो आप वहाँ पे जाके टीवी से रिलेटेड सारी वीडियोस, ऑलमोस्ट 25-30 वीडियोस वहाँ पे आप लोग देख सकते हो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ. इफ यू वांट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम आईडी इज कलर्स ऑफ लाइफ 34. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.